और अब एक बड़ी खबर है। रामपुर से आसम खान के घर आईटी की रेड खत्म हो गई है। लगातार तीन दिन तक ये आईटी की रेड यहां पर चल रही थी। आईटी की टीम को कई अहम दस्तावेज यहां से मिले हैं। टीम के साथ घर से बाहर निकल चुके हैं आसम खान। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। फिलहाल आईटी की रेड खत्म हो गई है। तीन दिनों से यहाँ पर आईटी की रेड चल रही थी और अब फाइनली ये रेड आसम के घर पर खत्म हुई है और आसम खान यहाँ से बाहर निकल चुके हैं टीम के साथ ही। देखिए आपको रामपुर से बड़ी खबर हम बता रहे हैं। आसम खान के घर पर आईटी की जो रेड चल रही थी वो खत्म हो गई है। तीन दिन से यहाँ पर ये आईटी की रेड चल रही थी और अब खत्म हो गई है और टीम के साथ ही आसम खान यहां से निकल चुके हैं। और अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या, जौहर ट्रस्ट विवाद क्या है, ये समझिए। आसम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए ये ट्रस्ट बनाया था। जौहर ट्रस्ट की ओर से यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन और जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। जबरन कब्जे का आरोप भी लगा। यूनिवर्सिटी की 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी भूमि का अधिग्रहण अवैध तरीके से हुआ। एडीएम की जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट पर शर्तों के उल्लंघन का मामला पाया गया। आकाश सक्सेना की शिकायत पर जांच हुई और आजम पर शिकंजा कसा गया। आजम खान ने जिस तरह से ये ट्रस्ट में जो दान दिया वो पूरी तरह से फर्जी था। इस तरह के आरोप आकाश और सक्सेना की तरफ से आजम खान पर लगाए गए हैं कि आजम खान के ट्रस्ट में दिखाया गया दान पूरी तरह से फर्जी था। और उसके बाद ही ये जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आया और जांच पड़ताल इस मामले को लेकर शुरू हुई। तो ये पूरा का पूरा विवाद रहा, जौहर ट्रस्ट विवाद। और अब अपडेट यही है कि तीन दिन से जो आईटी की रेड चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। आजम खान यहां पर टीम के साथ ही निकल चुके हैं। कई अहम दस्तावेज भी टीम को मिले हैं, इस तरह की खबरें भी यहां से सामने आ रही हैं। हालांकि अभी डिटेल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि जो आईटी की रेड चल रही थी आजम खान के घर पर वो खत्म हो गई है। तीन दिनों से ये रेड चल रही थी। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपसे कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश भी की गई मीडिया कर्मियों की तरफ से, लेकिन आजम ने कुछ नहीं बोला।